जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा की ओर से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर हरे वस्त्रों में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही नृत्य कर महिलाओं ने समा बांध दिया। हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है और ये अब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और हम महिलाओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठी होकर अपने जाट समाज की महिलाएं सारी इकट्ठी हैं और हम लोग हरियाली तीज का उत्सव यहाँ मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। क्योंकि ये तीज त्यौहार है तो त्यौहार एक मानसिक उल्लास का परिचायक होते हैं, तो हम सभी महिला और ये महिलाओं का त्यौहार है तो महिलाएं इसे पूरी जीवंतता के साथ और तरह तरह के यहाँ पर आज हमने गेम खेले हैं, बहुत सारी हमारी बहनों ने डांस किया है, कविताएं सुनाई हैं और अपने राग रागनी और मल्हार गाकर खुशी का इजहार करते हुए आज सभी ने बहुत हर्ष के साथ ये आज तीज का त्यौहार यहाँ पर मनाया है। आज हम लोग यहाँ पर हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बस यूं ही, क्योंकि इस समय इस महीने में हरा भरा वातावरण रहता है, हरियाली रहती है चारों ओर और बहनें जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं हरियाली के रूप में, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गीत मल्हार और सब एक दूसरे को बस प्रसन्नता का परिचय देते हुए हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं। सभी जो लेडीज़ हैं, जो नारी हैं, वो सब इस सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा होता है तो हरे ही व्रस वस्त्र पहनती हैं, पूरा साज श्रृंगार करती हैं, तो इसलिए हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया जाता है और इस सभा ने आज मुझे आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की और सभी को शुभकामनाएं हरियाली तीज की, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह के कार्यक्रम रहेगा आज? आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, यहाँ पे डांस प्रस्तुतियाँ हुई हैं, कुछ कविताएं भी सुनाई गई हैं, कुछ खेल प्रोग्राम्स भी हुए हैं और बहुत अच्छा लगा सभी के साथ आज मिलजुल के और इन्जॉय करके। सभी को बधाई है उसकी और इस जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा को बहुत बहुत।